कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही अपनी भारत छोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में एंट्री करने जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी अब भारत छोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर भारत छोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राव से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी जिम में कसरत करने के साथ ही युवाओं को भारत छोड़ो यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए यात्रा से जुड़ने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पटवारी इन युवाओं को विधानसभा में किए गए काम भी गिनवा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक बार फिर दिखा एमएलए जीतू पटवारी का अलग अंदाज। जिम में युवाओं को दिया भारत छोड़ो यात्रा से जुड़ने का मैसेज। पटवारी ने युवाओं को गिनाए विधानसभा में किए काम। राव से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी यूं तो अक्सर ही जनता के बीच सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन जब वे रोजाना जिम जाते हैं तो युवाओं से मेल मुलाकात करना नहीं भूलते। हाल ही में सोशल मीडिया पर विधायक जीतू पटवारी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जीतू पटवारी जिम में कसरत करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जिम में कसरत करने के बाद युवाओं को इकट्ठा कर पटवारी पहले विधानसभा के काम गिनवा रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बताते हुए यात्रा में दमखम के साथ शामिल होने की अपील कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, इसके लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है, ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इसके में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव मत बताओ, नेगेटिव बताओ पहले, कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालने की बड़ी जरूरत थी, क्या जबरदस्ती की नेतागिरी है या दस तरह की और बात है, जैसे जो विपक्ष है वो ऐसी बातें करता भी है, कोशिश भी करता है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? इस देश में 50-60% लोगों के पास काम काज नहीं है। हमारे देश में महंगाई की बात तो कर ही नहीं सकते, सबको असर आएगा उसका कि नहीं आ रहा है, मतलब चार चढ़ के नहीं बोल रहे, छत चढ़ के बोल रहे। जो बच्चा 30,000-40,000 रुपये कमाता था, उसकी वो 10-1,000 रुपये अपने सेविंग में रख के अपने कहीं फ्लैट ले लिया, कहीं गाड़ी की किस्त भर दी, अब वो उस स्थिति में कुछ कमाता, वो तो अत्यधिक परेशान हो गया। आप महंगाई डबल नहीं हुई, सीधी 75-80 साल में जो 1 रुपये की चीज थी अब वो 2 रुपये में, मतलब 8 साल में 75% महंगाई हुई। फिर अपने देश में कोई समस्या की बात चालू हो और हिंदू मुसलमान की बात चालू हो जाती, कोई विवाद या कोई बात चालू करे नहीं, अरे हिंदू मुसलमान अगर नफरत की बात चालू करे, समस्या अपनी देंगे और ये इशू अलग है। तो इस देश में जब भगवान राम कृष्ण और सब में प्रेम भाव प्रेम त्याग बलिदान की बात कही, वहां हम नफरत की बात नहीं कह सकते। हमारे देश का तो कल्चर जो दुनिया ने पाया वो महात्मा गांधी महावीर ने जो कहा, तपस्या और त्याग का है, नफरत रही थे प्रेम का है प्यार का है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में नफरत बढ़ी, इससे जो और मुद्दे हैं वो घट रहे हैं, तुम्हारा जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए वो घट रहा है। तो राहुल जी 20 तारीख के दिन आएंगे मध्य प्रदेश में और 26 तारीख को आएंगे महू और 27 तारीख को यहाँ से निकलेंगे राहुल से, अपने राहुल से होते हुए ऐसे। तो मैं तुम सबको इकट्ठा इसलिए किया है, उस दिन तुम सबको मैं आपको निमंत्रण दूँगा, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भारत छोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राव से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी जिम में युवाओं को भारत छोड़ो यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए यात्रा से जुड़ने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।